Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and Decision Making. This is module number 226, and the topic of discussion is estimating and forecasting trap. Remember one thing that in decision making, sometimes we are trapped in our favoritism perspectives. We are trapped in our biases and we are trapped in judgmental shortcuts. So we are careful. वेन वी टॉक अबाउट फोरकास्टिंग अ ट्रैप समाइम्स हम अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं सम टाइम्स हम ये नहीं जान पाते कि वट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस वट इज द ट्रू वैल्यू दैट वी शुड बी गिविंग टू अवर कंपिटेंसीज वट आर द ट्रू परस्पेक्टिव दैट शुड भी एसोसिएटेड विद अवर सेल्फ सो आया वी आर गोइंग फॉर ओवर कॉन्फिडेंस और वी आर गोइंग फॉर अंडर कॉन्फिडेंस सम टाइम्स हम सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं और समटाइम्स हम इनफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं इवन दो मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गोइंग एट एस्टिमेटिंग द थिंग्स इन अप्रोप्रिएट मैनर लेकिन वेन इट कम्स टू आर ओन सेल्फ वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट वी कम अप विद समिंग विच इज नॉट वेरी एक्रेट विच इज राधर बूस्टफुल विच इज राधर लाइक एग्जेजरेटेड सो वो तमाम एग्जेजरेशन हमारे लिए डिफिकल्टी का सबब वो बनेगी रिमेंबर वन थिंग जब हम किसी भी फोरकास्ट के अंदर जा रहे हैं वी नीड टू नो द डेवलपमेंटल वी वी नीड नीड टू टू नो नो हाउ थिंग्स वर इनकॉर्पोरेटेड कि हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं हमारे पास रीजन एंड लॉजिक्स क्या हैं हमारे पास किसी भी एस्टिमेशन को बयान करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स वो क्या हैं बिकॉज उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जाने बगैर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा यह जानना कि वट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस दियर फोर

हमारे लिए डिसीजन मेकिंग को इनफेक्टिव बना देता है Because हो सकता है कि हमने अपने आप को एग्जेजरेट किया हमने अपने आप को किया नतीजतन हम डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाए देन इट कैन बी द प्रूडेंट ट्रैप जिसमें के हम लोगों के बारे में डिफरेंट जजमेंट्स वो अपनी पास करते हैं हम उनको एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं सेम इज कैन द सेम केस कैन बी विद रिकॉलबिलिटी ट्रैप रिकॉलबिलिटी ट्रैप के अंदर भी वट यू कैन एक्चुअली रिकॉल आप किन किन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके पास किन किन चीजों के बारे में ऑब्जर्वेशन और किन किन चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन वो मौजूद हैं सो so ये तमाम तरह चीजें आर गोइंग टू क्रिएट अनसर्टेनिटी योर ओवर कॉन्फिडेंस योर प्रूडेंट एर रिकॉलबिलिटी परस्पेक्टिव हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम जब कभी किसी ट्रैप की तरफ जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग के दौरान तो हमें उसकी रीजंस एंड लॉजिक्स का पता हो ताकि हम अपने लिए मेरिट सेट कर सकें और वह मेरिट हमारे लिए सबब होगा टू कम अप विद द राइटफुल एस्टिमेशन एंड टू कम अप विद के जिसमें हम सही फैसला वो कर सकें डियर स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग इज ए सेंसिटिव फिनोमिना एंड वी हैउट इट एंड वी शुड बी ट्राइंग बेस्ट कि हम अपनी बायसेज और अपने प्रोजुटस एटीट्यूड को ओवरकम करें मैरिट तय करें और जजमेंटल शॉर्टकट से बचें थैंक यू